और जब कुत्तों के 154 इधर सोवा हूँ भाई, होली फक। देख देख क्या, रुक जा, पता नहीं को कहाँ से करी थी बुआ। उन्हीं पसीनों में सोस आके मतलब गुड मॉर्निंग, सलाम, सलाम अलैकुम, राम राम। केडो वाला सलमान खान करता था भाई बिग बॉस में, बट हम अपना करेंगे। वेलकम सबका, स्वागत है नए व्लॉग में। हेलो भाई, एक सेकेंड भाई, ये नहीं है, जिस दिन डाइट से ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ तो वर्कआउट नहीं करता, वर्कआउट करता हूँ प्लस एक्स्ट्रा वर्कआउट करता हूँ। देखो मेरे को कितनी देर होगी, देखो 154, 15 मिनट स्ट्रेचिंग, 2 घंटे सुबह, शाम को भी 1.5 घंटा हो जाएगा। यू नो व्हाई? जस्ट टू मेंटेन आउट द कैलोरीज, बैलेंस भाई, बैलेंस, बैलेंस इज द वर्ड। इसको दिमाग में डाल लो, लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस बना के चलो, कैलोरीज का भी और हर चीज़ का यार, मनी, फ्रेंडशिप, सोशलाइजिंग, एवरी फकिंग शिट ऑफ लाइफ। तो यस, ये नहीं भाई, आज मैं पूरा दिन दिखाऊंगा क्या क्या, गू खाऊंगा, अड़ंगा खाऊंगा उसके, और प्लस वर्कआउट तो दिखाई दिया। खैर सुबह की तो मैंने बता देता हूँ, कार्डियो प्लस पहले 30 मिनट इंक्लाइन वॉक, उसके बाद 1 घंटा स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस, अब लास्ट में 15 मिनट कूल डाउन के लिए फिर इंक्लाइन वॉक, अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एंड फिनिश। भाई लाइफ में बैलेंस आउट करके चलो, अब ब्रेकफास्ट दिखाते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट। अरे आज इतने दिनों बाद वर्कआउट करते ही सीधा नहा लिया मैं, क्योंकि वरना पता है क्या, सीधा खाना खाता हूँ ना, उसके बाद आलस इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है, फिर 2-3 घंटे बाद नहाता हूँ, उन्हीं पसीनों में सोस आके मतलब क्लमजी सा मामला हो जाता है सारा। और खाना दिखा देते हैं यार, घर में काम चल रहा है, बट आई कांट डू एनीथिंग। 6 अंडे, ये 2 रोटी और आज सब्जी। ओ भाई साहब, कढ़ी, वो भी पकोड़े वाली। एक सेकंड, कमरे में चला जाऊँ। सो यस, आज पूरे दिन की मील दिखाएंगे, क्या क्या अडंगा खाऊंगा। ऑफ कोर्स भाई ये सब्जी अडंगा, इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बट कोई नहीं, मेरा मंडे से बैक ऑन ट्रैक होगा मैं पक्का। सो जब तक मजे लेता हूँ, बिकॉज यार नॉर्मल कढ़ी इज फाइन, ये वाली कढ़ी तो भाई पकोड़े वाली भाई डीप फ्राइड होता है वो, सो अवॉइड करना। और यस, 2 रोटी 2 अंडे, प्रोटीन इनटेक में नो नेगोशिएशन, बस जो एक्स्ट्रा जाता है वो मीठा जाता है या कुछ ऐसा तला हुआ फ्राइड चरचरा कुछ, और कुछ नहीं। एंड यस, कैलरी ट्रैक तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकता मैं इतनी सारी कैलरीज, बट कोई नहीं, 2 घंटा सुबह वर्कआउट हो गया, 2 घंटा शाम में करेंगे, सो इतना चलता है। बैलेंस भाई, बैलेंस भाई, सूते अभी ये और बाहर चल के आपको मौसम का व्यू दिखाते हैं। कल जो अनएक्सपेक्टेडली जो रेन हुई है ना इधर, थैंक यू सो मच लॉर्ड। भाई एक टेस्ट चेक तो बनता ना, पकौड़े का स्पेशली। कारपेंटर भैया, एक एक चली जल्दी। यार खाना, यार फूड, वाई इंडियन फूड इज सो अनहेल्दी एंड टेस्टी एट द सेम टाइम। यार आई एम नॉट लाइंग, 2 रोटी 6 अंडे, 1 कटोरी सब्जी खा ली मैंने। अब मैं सेकंड सेट मारने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट का, जस्ट लुक एट दैट भाई, सब्जी इतनी स्वाद है। एक और मैं रिफिल कर लाया, 2 रोटी और 1 दही भाई, डेड सीन, डेड। ये भाई 3-4 हज़ार कैलोरी होगी मेरे को ऐसा लग रहा है। राम भाई, पेट फट गया मेरा तो, माँ कसम। मतलब 4 रोटी घी की 6 अंडे 1 कप दही और 2 बार कटोरी सब्जी की, दैट टू कढ़ी पकोड़े डीप फ्राइड। बट एनीवे भाई, ये कैलरीज तो काउंट करने लायक है नहीं, बट रफली हो गया होगा आई गेस 1500 से 2000 इजीली हो गया होगा, बट कोई नहीं, बर्न भी तो करी थी सुबह, फास्टेड वर्कआउट था भाई, बस एक कॉफ़ी पे था और शाम को भी होगा, सो यस। बट हाँ, आई डोंट थिंक सो, अब शाम वाले वर्कआउट से पहले कुछ भूख लगेगी मुझे, आई एम डेड, मेरा पेट फट चुका है, सो इसीलिए नाउ कम फॉर माई स्टेप्स। और हाँ भाई, तुम एक फ्लैबरगैस्टिंग बात बताऊँ, मेरे स्टेप्स भी 20,000 हो जाएंगे आज। मतलब जस्ट इमेजिन कि मैं मतलब 2 बार तो वर्कआउट हो ही रहा है, ऊपर से 20,000 स्टेप्स भी,
तो जस्ट थिंक वंस कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है पूरे। अरे राम भाई, क्या कुत्ता नींद आई है भाई। दोपहर को मैंने अपने 10-10 स्टेप्स करे। मतलब तुम लोग सोच रहे हो यार, ये लाइफ का भी अलग जीवन। एथलीट लोग वैसे ऐसे ही होता है भाई, वो वर्कआउट ट्रेनिंग इतना करते हैं, पेलते भी दबा के। सुबह मैंने इतनी कैलोरीज खा ली, उसके बाद 10-10 स्टेप्स भी कर दिए। देखो स्क्रीनशॉट डाल दो हमें। और जब कुत्तों की तरह सोवा हूँ भाई, होली फक। शाम तक तो 20-10 स्टेप हो जाएंगे। मतलब सोच रहे हो कुत्तों की तरह पेलो, 2 बार बढ़िया सेशन, 20-10 स्टेप्स भी। भाई एथलीट लोग भी ऐसे कुत्ता ट्रेनिंग करते हैं भाई, 3-3, 4-4 बार ट्रेनिंग, मैसिव ट्रेनिंग होती है यार उनका, तो कोई लेवल ही नहीं है क्या मेरी ट्रेनिंग हट। बट पेलते ही बढ़िया, और रेस्ट मतलब वही रहता है उनका जेन्युइनली, लाइक ईट ट्रेन स्लीप रिपीट खत्म भाई, और कुछ नहीं। पेलम ऑल्सो फूड, पेलम फूड पॉन। चलो भाई नींद तो पूरी हो गई है, खैर पूरी तो नहीं हुई और सोना, बट कोई नहीं। 5:30 हो चुके हैं, मेरे को कॉफ़ी पीनी है। कॉफ़ी पीने के बाद फिर सेकेंड सेशन के लिए 6:30 तक खाली भी करना है, गैस टैंक भरा पड़ा भाई। 4 रोटी पकौड़े, सेकेंड कॉफ़ी। भाई जब भी आप कुछ ज़्यादा खा लो ना, डाइजेस्ट ना हो, कॉफ़ी पी लिया रहो, प्रेशर भी आ जाएगा, प्लस वो खाना बैठ भी जाएगा। ये थोड़ा इलॉजिकल साउंड करेगा बट मेरे साथ होता है, जब भी मैं कुछ हैवी खाता हूँ ना तो कॉफ़ी खाना बिठा देती है। सुबह वाली मील अब तक नहीं हुई है, एंड द टाइम इज़ 5:30 राइट नाउ। वेट लेट मी शो यू, सी आई होप दिख रहा हूँ। सो जिम जाने से पहले गैस टैंक भरा हुआ है, वो खाली भी तो करना है वॉशरूम में, सो फॉर दैट एज वेल कॉफ़ी इज़ ऑल्सो गुड। और भाई जब हैवी मसल होती है ना, जैसे आज बैक है, बैक या लेग्स, इसमें स्ट्रेंथ बहुत लगती है, खाना उल्टा आ जाता है, तो फ्रेश होके जाना ज़रूरी है। सो यस, ये पीते हैं, गैस टैंक खाली करते हैं। They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. बैक वाले दिन अगर आप ये देख रहे हैं मार्क्स ये नहीं आ रहे ना, तो समझ लो आपने बैक का वर्कआउट ही नहीं करा ढंग का। ऑल्सो यार मतलब सुबह भैंचोद वो बेल्ट पहननी पड़ती है पसीने निकालने के लिए, और इस टाइम हुडी निकालनी पड़ेगी भाई फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद। इतनी गर्मी, आई गेस हुडी सीजन इज गॉन नाउ भाई। समर्स में तो मैं बस मंडे से जो कट स्टार्ट होने वाला है, खैर कोई नहीं, अभी 2 दिन इन्जॉय करते हैं। आ जाओ लास्ट मील ऑफ द डे भाई। ओहो हो, ब्रेस्ट इज रेडी, विच इज भाई ये है 400 ग्राम बनाई थी मैंने, ठीक है। थोड़ी सी 1/4 उसको दूंगा बाहर, एक कुत्ता लालू, काना लालू। देख 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 नहीं जा रहा, देख वो चाटी, देख वो खड़ा हो मम्मी, आज तो देख वीडियो बनाई पकड़ी है, चल रही है छेड़िए में। देख ननु इधर, अरे इधर आ, देख क्या बात हो गया मेरा, रुक जा देख रहा ये तरह तरह के स्पीड देख देख लेग पीस और ले ले, आज का मौसम भी सही है। बस भाई ये खस 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 कर रहा है, तगा दिया। अरे खा गया इतनी जल्दी, लेग और ले ले बस, मैं इतना प्रोटीन शेयर नहीं करता हूँ बस। भाई सर
यार सांस ले लो थोड़ा सा, क्या हो रहा है? बस ही हाय कुत्ते लोग भी भाई, ठीक है यार वो बेचारा एक आँख नहीं उसकी कभी कभी दे देता, और आज तो मौसम भी ना सेक्स वेदर हो रखा हुआ चल रहा है, कल रात को बारिश हुई थी अनएक्सपेक्टेड रे, बट हाँ इतना भी कॉम्प्रो नहीं कर सकता मैं प्रोटीन इंटेक में, ठीक है 400 ग्राम ब्रेस्ट थी तो 1/4 दे दिया उसे या 1/3 कहूँ पता नहीं कितना भी, बट हेयर इट इज़ एंड गेम चेंजर दिखा दूँ आज का रात का क्या मामला है। ये रहा भाई लुक एट द साइज भाई, ये है 4 अंडों का रोल, सो प्रोटीन देख लो 4 अंडों में 24 ग्राम और चिकन में ब्रेस्ट में हो जाएगा ये 50-60 ग्राम तो होगा आराम से, तो यस अगर आप लोग चीट डे भी कर रहे हो चीट मील भी कर रहे हो प्रोटीन में नो कॉम्प्रोमाइज, सिंपल एज दैट, मेरे को लग रही कुत्ता भूख मेरे को खाने दो यार, लास्ट बाइट इज द वर्स्ट बाइट, क्योंकि कुछ लोगों को बेस्ट लगती है मेरे को वर्स्ट लगती है, क्योंकि ना बताता हूँ एक सेकेंड ले लूँ, स्पेशली अच्छे फूड भी मतलब यार खाना खत्म हो गया यार, हाउ कैन इट बी द बेस्ट इज द वर्स्ट, बिकॉज मेरे जैसे कुत्तों का पेट ही नहीं भरता जिनका कभी, उनके लिए तो वर्स्ट है। ओहो डोरिटोस आइसक्रीम सैंडविच यार, बाहर थोड़े स्टेप्स लेने आया था और थोड़ी बातें आप लोगों से, बट ये कुत्ते का बच्चा प्याऊं 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 करता रहता, हाँ क्या चाहिए करता रहेगा, आ जा थोड़ी देर, अरे गंदे देख 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 पैर चाटेगा रुक जा, ओहो राम राम भाई राम राम यार, आप लोग को पता है ये कुत्ते लोग ऐसे ग्रेट करते हैं ऐसे यू बेंड हो गए, मेरे को एक दोस्त ने बताया एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड नोटिसिंग, एक्चुअली भाई ये लोग पता है ऐसे बैंड होते हैं लाइक लोअर बैक स्ट्रेट करते हैं, हाँ भाई चल जा मेरे को अपने फैमिली से बात करनी है, यूट्यूब पता है तेरे को क्या होता है गवार यार 2 मिनट दो, फिर इसके साथ ढंग से खेल लो इसको सुला दो एक बारी, गए भाई गए बड़ी मुश्किल से गए, अरे राम भाई ऑलमोस्ट 11:30-12 हो गए, स्टेप्स ले चुका हूँ मेरे सारे आई गेस 20-25 स्टेप्स हो गए भाई, भाई मज़ा आता है भाई मेरे को, वैसे ना ये डेज ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं यार, हाँ बट इस डाइट में ना एब्स फेड हो जाते हैं मेरे एंड आई लव माई एब्स, तो कोई नहीं बट कल संडे कल और मोर मंडे से आई बी ऑन ट्रैक आई एम श्योर अबाउट दिस, बहुत हो गया भाई मतलब लाइक जेन्युइनली लास्ट इट वॉज फकिंग माई लास्ट डे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, कल भी थोड़ा सा खाऊंगा, बट एनी वे कोई नहीं भाई वर्कआउट तो आप लोगों ने देख लिया भाई, फुल ड्रेंच्ड अप सोक्ड अप इन स्वेट, सुबह 2 घंटे शाम को 1.5 घंटा और 20-25 स्टेप्स भाई, जस्ट इमेजिन कितनी कैलोरीज बर्न करी और दका रहे, तो भाई सुबह से बद रहा हूँ बर्न भी करी और कंज्यूम भी करी, बट कोई नहीं, बट एनी वे प्लीज़ ये फॉलो मत करना, आई एम अगेन वार्निंग यू गाइज, ये लोग तो ये सब डाइट इतना ना भी डाइजेस्ट हो और बॉडी अडेप्ट ना कर पाए और मतलब इट्स कम्प्लीटली बैड यार, सिंपल इज दैट, मैं तो चलो वर्कआउट करके गला लेता हूँ बट कोई नहीं, चलो वीडियो यहीं रैप करते हैं, और अगर मेरा मन करा वापस जाने का एक और स्वीट डिश खा के सोने का, लेट्स सी पता नहीं और 5-10 मिनट और घूमूंगा बस, क्या पता मन कर जाए, मन कर जाएगा तो जो खाऊँगा आप लोग को दिखाऊँगा, टिल देन बाई गुड नाइट लाइक शेयर कमेंट और क्या करोगे, एक आधी का स्टोरी भी लगा दिया करो यार, आज तक किसी ने ना मेरी स्टोरी नहीं लगाई इंस्टाग्राम पे लिंक, मतलब ना आई विल बी वेटिंग, जो पहला बंदा होगा ना उसको कुछ तो दूंगा भाई मैं, लाइक जेन्युइनली आई एम गोना गिव समथिंग टू दैट गाय, क्या हो रहा भाई, हाँ टैग कर देना, टैग करोगे इंस्टाग्राम का जब भी पता लगेगा मुझे, चलो बाय लव यू यार, एक लास्ट आइटम और बचा है, बस एक, बस प्लीज एक प्लीज बाय कहने से पहले बस एक लास्ट भाई, ये बूंदी का लड्डू है वो जो देसी घी में नहीं बनते येलो वाले जो शादी वगैरह से आते हैं, ये ओवन में जस्ट 45 सेकेंड के लिए गर्म कर दो खा लो और सो जाओ, बाय, अब एक हैक बता रहा हूँ ट्रस्ट मी सेक्स।